नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए मई 2023 का महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन से दिनों में मिथुन राशि को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें इन्हें फ़ायदे में देंगी और कहाँ कहाँ पर इन्हें होगा नुकसान, क्या करने हैं इनको अचूक उपाय, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ओवरऑल मिथुन राशि के लिए महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, ग्रह स्थिति अगर देख ली जाए मिथुन राशि, तो ये जो महीना है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस तो आपको कर ही देगा, बट एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप सभी को प्रॉफिट और लॉस के बीच में तालमेल बनाकर रखने की ज़रूरत है। जब तक मंगल यहाँ पर विराजमान है आप सभी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट है, बट जब मंगल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि 10 मई के बाद का समय जो है वो परेशानियों का समय है, वो स्ट्रगल ज़्यादा देगा। बट एक अच्छी चीज़ और भी है कि शुक्रदेव यहाँ से यहाँ आकर के आपको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। सो ये जो समय है तालमेल बनाने का समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रॉफिट हाउस में यहाँ पर 4 ग्रह जो विराजमान हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इस वजह से आप सभी को बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप सभी को ये बता देता हूँ कि जो वीडियो है ये आपको कब फ़ायदा देगा या आपके लिए कैसे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन में बैठा हुआ है तो ये कुंडली आपके ऊपर अप्लाई होगी। अदरवाइज़ अगर आप लग्न से देख रहे हैं तो ये उतना अप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स और कहाँ कहाँ पर लॉसेस होंगे। ये समय में, इस महीने में, मई 2023 में मिथुन राशि आप सभी को पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। पैसों की वजह से परेशानियाँ हो सकती हैं, और पैसा खर्च कहाँ होगा, पैसा कहाँ निकलेगा, तो कहीं ना कहीं लग्जीरियस चीज़ों में आप थोड़ा सा अपना पैसा गंवा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, या फिर उस पैसे को एक इंजॉयमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप विदेश यात्राओं पर चले गए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपने अपने लव वंस को, अपने पार्टनर्स को कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती गिफ्ट दे दिया तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीदने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है मिथुन राशि। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बेशक खरीद सकते हैं। कोई लग्जरियस आइटम परचेज करना चाहते हैं तो बेशक परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है, तो मेक श्योर कि आप पैसा अगर कहीं पर भी लगाएं, सही जगह पर आपका पैसा लगना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहला नंबर बनता है नंबर 10। नंबर 10 का मतलब है कि 10 मई का जो दिन रहेगा या 10 से 12 मई का जो ये दिन रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 के बीच में आप सभी को बहुत सावधानी से रखना है अपने आप को, क्योंकि देखिए 10 तारीख को ही क्या है, मंगल राशि परिवर्तन करेगा। 10 तारीख से ही शुक्र अपनी चाल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, और 10 तारीख को ही यहाँ पर बुध एक्टिवेट होकर के अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर देगा। तो एक तरफ काफ़ी ज़्यादा फायदा है और एक तरफ थोड़ा सा नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर केतु की। ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मई के महीने में। केतु ही आपके लिए एक पावरफुल प्लैनेट बोल दीजिए या एक स्ट्रगलिंग प्लैनेट बोल दीजिए, इस तरह का रोल प्ले यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। इस वजह से दिमाग शांत रख करके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये केतु आपको खा जाएगा, ये केतु आपको परेशान कर देगा और आप सभी को बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से अगर आप सभी किसी से प्यार करते हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है और रिलेशनशिप में हैं, आपको अपने पार्टनर्स के साथ भी तालमेल बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी परेशान करेंगी। दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, मेरा सजेशन रहेगा इस कुंडली को देख करके कि अपने पार्टनर्स के ऊपर पैसा खर्च करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये महीना आपको सबक देगा इस बात का कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे कोई भी पैसा मांगता है, खासकर अपने पार्टनर की तरफ के लोगों में से कोई अगर आपसे पैसा मांगता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल मना कर देना है कि आपको पैसा नहीं देना है। थोड़ी सी नाराजगी शायद हो सकती है, सामने वाला नाराज हो सकता है,
बट आप अपना बहुत बड़ा सेविंग यहाँ पर कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने पार्टनर के ऊपर पैसा खर्च किया तो वो पैसा पलेगा नहीं, मतलब कि उस पैसे से कोई बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने पार्टनर के घर वालों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को पैसा दिया तो वो पैसा वापस आने का कोई योग नहीं दिखाई देता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये समय कैसा जाने वाला है, बच्चों के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, बच्चों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इस वजह से मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, खासकर अगर आप सभी मेडिकल साइंस में हैं, अगर आप सभी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अगर आप सभी डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर यहाँ पर देखा जाए तो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का जो समय रहेगा ये एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप सभी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सभी अपने फैमिली को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप सभी ने कंसीव कर लिया है और आप प्रेग्नेंट हैं और आप मिथुन राशि के हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, इस कुंडली के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, इस कुंडली के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। साथ ही साथ में जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपकी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी कर सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपकी कुंडली के ग्रहों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हम मिथुन राशि के लिए जनरलाइज एक ओवरव्यू यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी आ जाती है जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। देखिए, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में नई अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, नई जॉब देख रहे हैं, डेफिनेटली ये मंगल विदेश यात्राओं का भी एक योग बनाता है, बट टेम्परेरी योग यहाँ पर बनता है और डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रगलिंग योग बनता है। जगह चेंज गलती से भी ना करें, मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहीं करते रहें। मई के महीने में स्विच ओवर मत करिएगा, शिफ्ट मत करिएगा, चेंज मत करिएगा, बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये समय चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना ही तो आपको मकान चेंज करना है, ना ही आपको जॉब चेंज करनी है और ना ही आपको किसी भी तरह के नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो समय रहेगा ये सेहत के लिए कैसा रहेगा। सेहत में फाइनली थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। जैसे ही देखिए यहाँ से 15 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके इधर आते हैं, आपके लग्न को स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत पावरफुल योग यहाँ पर बनता है, जिसके बारे में नहीं बताऊँगा बट डेफिनेटली समझा सकता हूँ कि उस योग के बनने की वजह से कई तरह की बीमारियाँ आपकी ठीक होते हुए नजर आएंगी, कई तरह के पावरफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खासकर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एलर्जिक इश्यूज आपके ठीक हो सकते हैं, कोरोना या कोल्ड कफ या फिर किसी भी तरह का फीवर है तो वो आपका ठीक हो सकता है, आप सभी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो सकती है, आप सभी को किसी भी तरह की थायराइड की समस्या है तो वो आपकी डेफिनेटली ठीक हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। सो सेहत में एक रिकवरी का समय है, सेहत को अच्छा करने का समय है और मिथुन राशि ऐसा मौका बार बार नहीं आता जहां पर सेहत को इतना रिकवरी करने का मौका मिल जाए। तो इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने में जितना हो सके योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करें, अपनी हेल्थ को और बेटर बनाने की कोशिश करें ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें मिथुन राशि ध्यान रख लीजिएगा मई के महीने के लिए। पहली चीज़, अपनी वाणी को अच्छा बना के रखिएगा, अपने मुंह से शब्दों का इस्तेमाल जो भी आप करते हैं बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी के मन को दुख ना पहुंचाएं, नहीं तो आपका ये महीना खराब हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इस पूरे महीने में आप सभी को भगवान की पूजा करते रहनी है, आपको भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा आध्यात्म में जुड़ जाएं। इस वजह से मेरा सजेशन रहेगा कि भगवान की पूजा करते रहें और अपने महीने को अच्छा बनाते रहें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये महीना
तब और अच्छा हो जाएगा जब आप अपने माता पिता का मान सम्मान करें, आदर करें, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इन छोटी छोटी चीज़ों को करके आप इस महीने को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी की पूजा आपको रेगुलर करनी है। ओम गण गण पतये नमः इस मंत्र का चांट आप करें, इससे भी आपको अच्छे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी आप मेरे डेली रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं और अपने इस महीने को और भी ज़्यादा शानदार बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।